मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर इधर ऐसे जाएंगे। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को डराया है और मैं डरता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है, डरती भी हैं जो भी हैं, डराती कहाँ हूँ, लेकिन ये जो है, ये जो भूतनी, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी असली लाइफ में डरपोक है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर मैं इनको बोल दूं कि उस कमरे में जाना है अकेले, तो ये वो भी नहीं जा सकती हैं। मतलब ये किसी चीज़ से भी डर सकती हैं, छिपकली से डर सकती हैं, कॉकरोच से डर सकती हैं, बताइए ना कितना। भूतों से, भूत तो तुम खुद बनी हो, डर नहीं लगा? पहले खुद में नहीं, पर डर तो लगता है। कल सुबह आके मुझे बोली, मैं अपने आप को देख के डर गया, क्या हुआ? तो बेसिकली जब ये रेडी हुई थी कल, अपने आप को इन्होंने शीशे में देखा तो ऐसे कैसे डरी नहीं? मैंने मेकअप थोड़ी भूतों में रखी, मैं डरती हूँ। ये डरती हैं बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं डरपोक। मैं एक ग्रुप में बैठ के भी हॉरर मूवी नहीं देख सकती, मैं इतनी डरपोक हूँ। हाँ। क्या अभी अभी हम इमेजिका गए थे और वहाँ पर हॉरर वर्ल्ड, क्या है वो, एक हॉरर हाँ। हाउस है वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जाना था। इन्होंने मुझे इतना कन्विंस किया, फिर भी मैं नहीं गई। मतलब बहुत ही कन्विंस किया था, मेरी हिम्मत नहीं। मैं सिर्फ डरी हूँ, कभी डराया नहीं है मैंने किसी को बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है मेरे साथ कि मैं भूत वूत आ गया हो या कोई, पर जीजू है जो डरा देते हैं कभी कभार मुझे ये जो है, ये जो हॉरर मूवी देखती हैं डे लाइट में, ओपन में देखती हैं वो भी नहीं देखती है, ताकि इनको डर नहीं लगे। और अगर गलती से उसमें कॉकरोच इनके ऊपर आ जाए तो ऐसे चिल्लाती हैं कि इतना तो हॉरर इफेक्ट तो मूवी में नहीं होगा जितना वो कॉकरोच से डर जाती है। गाइस प्लीज कीप वॉचिंग जीजी माँ, एंड या बहुत एंटरटेनमेंट आने वाला है। सो वो कहते हैं ना, एक शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और हम एंटरटेनमेंट हैं।